हे गाइस, वेलकम बैक। मैं यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आए हो बच्चे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस खूबसूरत प्लांट संचेचीजा के बारे में। हालांकि मैं जो नाम बोल रही हूँ मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इसका मैं नाम लिख दूँगी तो आप उस नाम से सर्च कर सकते हैं कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। कभी कभी कुछ वर्ड इतने डिफ़िकल्ट होते हैं या फिर इतने आसान भी होते हैं कि जिन्हें हम नहीं बोल पाते हैं। ओके, तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी कि ये इंडोर है या आउटडोर है, इसमें फूल लगते हैं नहीं लगते हैं, किस तरीके से केयर करनी है और किस तरीके से इसके नए पौधे तैयार करने हैं। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, ये प्लांट आपको शो पीस वाला प्लांट दिख रहा होगा, जैसे कि क्रोटन वगैरह होते हैं जिनमें कि पत्ते ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, उसी तरीके से आपको ये प्लांट भी दिख रहा होगा। लेकिन ये अपनी खूबसूरती पत्तों से भी बिखेरता है और फूल से भी बिखेरता है, लेकिन इसमें हमेशा फूल नहीं आते हैं। साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा इसमें फूल लगता है, वो भी बर्ड कुछ लंबी सी निकलती है, जिस तरीके से रजनीगंधा की स्पाइक होती है, फिर उस पर छोटे छोटे कलियां बनी रहती हैं और फूल निकलते हैं, सेम उसी तरीके से इसमें भी निकलता है और लेकिन उतना लंबा नहीं होता है। इसमें येलो और रेड कलर के मिक्स फूल आते हैं, मतलब कि पंखुड़ियां कुछ रेड और कुछ येलो में होती हैं। और जब इसमें वो फूल निकलते हैं तो इस प्लांट के तरफ जो हमिंग बर्ड वगैरह हैं और बटरफ्लाई हैं वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाती हैं इस प्लांट की तरफ, और हो सकता है कि आपका वो फूल का गुच्छा भी, वो बर्ड, वो कलियां भी वो तोड़ दें या फिर तोड़ के खा लें, क्योंकि वो बहुत ही आकर्षित होती हैं उनकी तरफ। तो अभी चलिए फिर बात करते हैं इसको लगाने के लिए। तो गाइस, ये ना ही आउटडोर कम्प्लीट आउटडोर है ना ही कम्प्लीट इनडोर है। मतलब आउटडोर का मतलब कि जो मई जून जुलाई की तेज़ धूप होती है वो इन दिनों में ये पौधा तेज़ धूप में नहीं रहेगा। अगर ये तेज़ धूप में रहेगा तो इसमें जो पत्तों में ये लाइनिंग है ये बनना बंद हो जाएगा, प्लस इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। पत्ते कुछ इस तरीके के आने लगेंगे जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते हैं जितना कि ये अच्छा लगता है, ऐसा वाला पौधा। और इस पत्ते में आपको तीन रंग देखने को मिल जाएंगे, हल्का रेड, येलो और ग्रीन, और इसी की वजह से ये बहुत ही काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, और तो ये ऐसी जगह पे भी आप इसको नहीं रख सकते हैं जहाँ पे कि कंप्लीट इंडोर हो, यानी कि जहाँ पे हम मनी प्लांट और चाइना पाम वगैरह रख देते हैं, जहाँ पे बहुत कम सनलाइट जाती है वहाँ पे भी ये नहीं रह सकता। इसे ये शेड लविंग प्लांट है, यानी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ थोड़ी सी धूप थोड़ी सी ठंडक बनी रहे। तो ऐसी जगह पे इसका जो ये वाला कलर है वो बहुत खूबसूरत होके आता है, खिल के आता है। और बहुत लोग बोलते हैं मैम आपका प्लांट उतना अच्छा नहीं दिख रहा है ऐसे वैसे, तो भाई मेरे जो मोबाइल का कैमरा है आई थिंक वही ठीक नहीं है, क्योंकि जो मेरा प्लांट है वो काफ़ी खूबसूरत है। इससे पहले का एक महीने पहले का आप वीडियो देखिए, मैं अपने हस्बैंड के मोबाइल से बनाती थी तो वो आपको काफ़ी क्लियर वीडियो दिखेगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट कितने ग्रीन हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि आप बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं। अगर मैं वीडियो लंबा मैं बनाना नहीं चाहती, मैं बस प्लांट के बारे में पूरी जानकारी देते देते वीडियो लंबा हो जाता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप वीडियो छोटा ही बने, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि बहुत लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता है कि लंबे लंबे वीडियो देखें। एनीवेज, तो अब इसे लगाने की बात की जाए तो ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। ये कटिंग ऐसे ही ले सकते हैं आप, 2 से 3 इंच की कटिंग को आप कोकोपीट सैंड और गार्डन सॉइल में लगाकर इंडोर रख दीजिए, और उसके बाद ये 10 से 15 दिन में अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। इसे बेलड्रन सॉइल बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब कि पानी रहे पर मिट्टी आपस में चिपकी ना हो, भुरभुरी मिट्टी हो इस तरीके की। और इसे नाइट्रोजन वाली खाद साथ ही कुछ
फास्फोरस की क्वांटिटी, नाइट्रोजन और फास्फोरस जिस फर्टिलाइज़र में अच्छे खासी क्वांटिटी में होता है, वो फर्टिलाइज़र इस प्लांट को अच्छा लगता है, क्योंकि ये तो सिर्फ साल भर में एक ही बार फ्लावरिंग करता है। पर इसकी अच्छी ग्रोथ होने के लिए, इसके पत्तों का कलर और इसके तने का ग्रोथ अच्छा हो, इसके लिए इसको नाइट्रोजन मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके लिए कि गोबर की खाद बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसको कहाँ पे रखना है सारी बातें बता दिया। अब बताती हूँ कि इसमें क्या लगता है रोग के तौर पे। तो इसमें मिली बग बहुत ही तेज़ी से लगते हैं, ये जो ऊपर वाले पत्ती होते हैं, ये वाले इस वाले हिस्से को वो काफ़ी कवर करके रखते हैं, मिली बग चिपके चिपके से रहते हैं। तो इसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे आप कर सकते हैं, अगर आपके प्लांट पे मिली बग का अटैक हुआ हो तो। तो फ़िलहाल तो मेरे पे नहीं है। और ये काफ़ी हाइटेड प्लांट था, ये वाला देख रहे हैं, ये जब विंटर स्टार्ट हो गया था तो इस पर माहों का अटैक होने की वजह से ये पूरा कवर कर दिया था माहों ने, तो इसकी वजह से मुझे काट के हटाना पड़ा। तो इसके साइड में से एक ये ब्रांच निकली और ये काफ़ी खूबसूरत सा एक बुशी सा प्लांट तैयार हो गया, और मुझे ये प्लांट चाहिए भी नहीं था। मैं सोच रही थी कि अब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं बचाऊँगी नहीं, पर जब ये स्टार्टिंग से अब ग्रोथ करने लगा है तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इसके नीचे बहुत सारे जो प्लांट हैं सदाबहार के खुद से ही जर्मिनेट हो गए हैं, क्योंकि ऐसे पौधे के पास था, सॉरी सदाबहार के पास था, तो ये जर्मिनेट हो गए हैं। तो इस तरीके से केयर करनी है आपको। और उसके अलावा भी आप NPK DAP जो भी आप अपने प्लांट में अप्लाई करते होंगे तो डाल सकते हैं, होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, इससे आपका प्लांट खूब अच्छे से ग्रो कर जाएगा। ये बहुत ही हार्डी सा प्लांट है, बहुत ही जल्दी मरता वरता नहीं है। हाँ, इसको पानी में जो मिट्टी की नमी है वो काफ़ी अच्छी लगती है, तो मिट्टी को आप नमी दार ही बना कर रखिए। सैंडी सॉइल है और सैंडी सॉइल में काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। सैंडी सॉइल का मेरा मतलब बस यही होता है कि जो भी आप मिट्टी गमले के लिए तैयार कर रहे हो उसमें जो आप सैंड मिला रहे हो उसकी मात्रा एक आध मुट्ठी ज़्यादा कर दो, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मेरा मतलब होता है। तो मैं अपने लैंग्वेज में तो बस इसी को ज़्यादा सैंडी सॉइल बोलती हूँ। तो इस तरीके से हो जाता है और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। बालकनी वगैरह में आप इसे रख सकते हैं जहाँ पे कि छन छन के धूप आती है, लेकिन धूप आनी चाहिए थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कि धूप इसको मिलना बंद हो जाए। अगर इसे थोड़ी भी धूप नहीं मिलेगी तो इसके पत्ते लटक जाएंगे और इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो मैं तो इसको कहाँ पे रखती हूँ ये भी बता देती हूँ, पौधों के झुंड में रखती हूँ। ये मेरे सारे पौधे हैं झुंड में पड़े हुए, तो पौधों के झुंड में ये प्लांट भी रहता है और ये खूब अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो होप करती हूँ गाइस जो भी बातें बताई है मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव योर नाइस डे।